छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री हो गई है। रायपुर समेत प्रदेश के दूसरे स्थानों में भी मॉनसून ने अब दस्तक दे दी है। मॉनसूनी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भारी से अति भारी वर्षा संभावित है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में भारी बारिश संभावित है। वहीं राजधानी में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने कहा कि प्रदेश के अनेक स्थानों में आज बारिश संभावित है। कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा भी संभावित है। मौसम विभाग का मानना है कि अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान में थोड़ी ठंडकता आएगी। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने कहा कि रायपुर का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसी प्रकार बिलासपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बारिश की वजह से जगदलपुर के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट रही। यहां का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। देखिए, अभी फिलहाल चूंकि मानसून को दुर्ग तक पहुँचाए हैं, रायपुर जिला के कुछ भाग को लिए हैं, उधर महासमुंद को कुछ भाग को लिए हैं, लेकिन आज पिछले 24 घंटे में फिलहाल जो मध्य क्षेत्र है, विशेष करके जो उत्तर दुर्ग संभाग, उत्तर रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में अच्छी बारिश देखने को नहीं मिला है। तो संभव है कि एक दो दिन अभी उसके लिए आगे मानसून को आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि एक नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उड़ीसा के तट और पश्चिम बंगाल के तट के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से फिलहाल प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी है जारी रहेगी। आज फिलहाल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है। साथ ही साथ एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी भी वर्षा हो सकती है। क्योंकि अभी बारिश का दौर जारी है, इसलिए लगभग टेम्परेचर है पूरे प्रदेश में लगभग ये 32 से लेकर के 35 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो लगभग 8 से 10 डिग्री है वो गिरा हुआ है। अभी आने वाले समय में चूँकि 26-27 को अच्छी बारिश देखने की मिलेगा, इसके कारण से टेम्परेचर में और गिरावट होने की संभावना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।